गुड मॉर्निंग। तो आज का अभी योगा सेशन हो चुका है, अब बस यहाँ से तैयार होना है और फिर हम यहाँ से ओमकारेश्वर के लिए निकल जाएंगे। ओमकारेश्वर यहाँ से अराउंड 90 किलोमीटर है, तो जो गूगल मैप 3 घंटे बता रहा है, लेट्स सी कितना समय लगता है। और फिर यहाँ से निकलेंगे, अभी कुछ खाना है, नाश्ता करेंगे। सो लेट्स सी कितना समय लगता है, वंस वी हिट ऑन दी रोड आपको पता चलता रहेगा। हर हर महादेव। से निकल के आ गए हाईवे, ये मेरे पीछे ही ये जो रोड जा रही है यही हाईवे है, इस पे चढ़ना है और सीधे ओमकारेश्वर, यहाँ से 80 किलोमीटर। अभी टाइम है पोहा खाने का। तो इंदौर आए हैं तो पोहा तो खाएंगे और फिर चाय, फिर निकलते हैं। पहुंच गए ओमकारेश्वर और एक काम चलाओ सा रूम ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा ओयो या बहुत सारे ऐसे होटल के ऑप्शंस नहीं है। एक गवर्नमेंट होटल था पर वो सिर्फ गवर्नमेंट के ही पर्पज़ के लिए है, वो और नाम टूरिस्ट को नहीं देते हैं। तो एक छोटा सा होटल है, 650 रुपये में रूम है। जिन लोग यहाँ आते हैं रूम लेते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। और मेरा प्लान है कि हम रुकेंगे रात में, तो ठीक है जो है सो है, हर हर महादेव। यहीं थोड़ी देर विश्राम किया जाएगा खा पी के। और अभी जो है 12:15 हो रहा है, थोड़ा सा धूप कम होगी, गर्मी बहुत है बाहर और धूप बहुत तेज़ है। लेट्स सी, चलो शाम को एक्सप्लोर करेंगे ओमकारेश्वर। ये मेरे पीछे नर्मदा नदी और ओमकारेश्वर मंदिर है यहाँ पे। ये गर्मी बहुत हो रही है पर मज़ा भी आ रहा है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बैठे हुए हैं नर्मदा नदी के किनारे, शानदार हवा लग रही है, बहुत सुकून वाली हवा है जो गर्माहट है उसको दूर कर रही है। और जो नदी का पानी है वह बहुत ही साफ। मिश्रा परिवार ओमकालेश्वर, मिश्रा परिवार ओमकारेश्वर ज्योत में सायंकाल सायंकाल दर्शन पूजा तो दर्शन कर लिए। एक छोटी सी पूजा थी वो भी कर ली है, पंडित जी ने करवा दी। अभी एक और मंदिर है ममलेश्वर मंदिर, वो भी एक ज्योतिर्लिंग है, तो उसको भी विजिट करते हैं और फिर देखते हैं शाम को अगर आरती के समय तक यहाँ रहते हैं तो आरती भी विजिट करेंगे और फिर वापस रूम पे खाना खा के।
तो घूम गया ओंकारेश्वर। मंदिर के जस्ट नीचे ही एक अग्रवाल भोजनालय है, यहीं पर बैठ के खाना खा रहे हैं। लड़कों ने बोला है कि अगर खाने में स्वाद ना आए तो पैसे मत देना। खाना खाएंगे उसके बाद वापस होटल में सोना है और फिर कल सुबह निकलेंगे हम लोग महेश्वर की तरफ। तो देखते हैं कि महेश्वर में रुका जाएगा या मांडू निकलते हैं। गर्मी बहुत है।